सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप आईपीएल के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किंग्स इलेवन पंजाबा के खिलाफ 44 गेंदों पर नाबाद 79 रनों की पारी खेली, लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। चेन्नई सुपर किंग्स लक्ष्य से 4 रन दूर रह गए। किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के दौरान कुल 11 वाइड बॉल डाली। इनमें से अधिकतर वाइड बॉल तब हुई जब महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर थे। किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज लोकेश राहुल ने खुलासा किया है कि आखिर गेंदबाज धोनी को इतनी वाइड गेंदें क्यों कर रहे थे। लोकेश राहुल ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा कि धोनी की कमर में दर्द था और उन्होंने मैदान में कुछ देर कमर दर्द के लिए हीट भी ली थी। इससे हमें पता चल गया था कि कमर दर्द के कारण शायद वे ऑफ स्टंप पर वाइड गेंद को ठीक से कनेक्ट न कर पाए। यही प्लान था धोनी और इसीलिए गेंदबाजों ने ऑफ स्टंप के बाहर लुक फुल टॉस कर रहे थे और इसी प्रयास में कुछ गेंदें अंत में भी वाइड हो गई। लोकेश राहुल ने मोहाली के विकेट के बारे में कहा कि यह हमारा होम ग्राउंड है, लेकिन इसके बावजूद हम पूरी तरह यह नहीं कह सकते कि यह कैसे बिहेव करेगा। उन्होंने कहा कि इस मैच में पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी थी। आप अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप नेगा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।